रची जाएगी दोस्ती की इबारत, फिर आमने सामने होंगे दो दोस्त और एक बार फिर दुनिया देखेगी दो दोस्तों की दोस्ती, फिर लगेगी पाकिस्तान को मिर्ची। हम बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपने दो दिवसीय रूसी दौरे पर पीएम मोदी क्या गए, पूरी दुनिया की नजरें रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर टिक गई हैं। आलम यह है कि इस बार दो दोस्तों की दोस्ती दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक गाथा लिखने को बेताब है। व्यापारिक से लेकर सामरिक दृष्टि से पीएम मोदी का ये रूसी दौरा बेहद अहम है। देश में मंदी की आहट है, एक तरफ अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ी है तो दूसरी तरफ यूरोप ब्रेक्सिट में फंसा है। ऐसे में अपने कद को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इतना सुनहरा मौका फिर कभी भारत के हाथ नहीं लग पाएगा, जिसमें उसका साथ उसका सबसे खास दोस्त रूस दे सकता है। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती समंदर की गहराई से भी गहरी, मिश्री से भी मीठी और पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। तभी तो पीएम मोदी ये कहते नहीं थकते कि उनके और पुतिन के बीच एक खास तालमेल है। दोनों साथ घूमते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ट्यूनिंग ऐसी कि पुतिन के साथ मिलकर पीएम मोदी सस्ते सैन्य उपकरण बनाना चाहते हैं, ताकि सस्ती दरों में दूसरे देशों को बेच सके। रूसी मीडिया तास से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज प्रौद्योगिकी के मुहैया होने से सैन्य उपकरणों का उत्पादन भारत में सस्ते में हो सकता है और हम इन हथियारों को तीसरे देशों को बहुत कम कीमत में बेच सकते हैं। भारत और रूस को इस अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है। मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने अपनी दिलो तमन्ना तो जाहिर कर दी, लेकिन उनके इस ख्वाहिश को उनके सबसे अजीज दोस्त पुतिन पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये द्विपक्षीय समझौते पर लगी मोहर के बाद ही साफ हो पाएगी। वैसे जब जब भारत मुश्किल में फंसा है, तब तब रूस ने अपनी दोस्ती दिखाई है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर का मसला है। कश्मीर को लेकर जैसे ही पाकिस्तान ने चीन के कान भरे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जाकर जैसे ही ड्रैगन ने कश्मीर का मसला उठाना चाहा, भारत की तरफ से रूस ने उसकी बोलती बंद कर दी, साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को 370 की बंदिशों से आजाद करना भारत का आंतरिक फैसला है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि भारत भी अपनी दोस्ती से पीछे नहीं हटता है। अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भी मोदी सरकार ने रूस से अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रद्द नहीं किया। ट्रंप को एक ही झटके में समझा दिया कि देश के हितों से अब कोई समझौता नहीं। फिलहाल भारत रूस के इस शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होंगे, जिसमें मुख्य रूप से सैन्य समझौते भी शामिल हैं। अपने दोस्ती को पीएम मोदी प्रौद्योगिकी के दायरे से आगे ले जाना चाहते हैं। तभी तो उनका कहना था, हम करीबी मित्र हैं और करीबी मित्र होने के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि हम भविष्य में साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस भारत के साथ मिलकर सैन्य उपकरण बनाने में दिलचस्पी दिखाएगा। पीएम मोदी की दोस्ती की खातिर पुतिन अपनी तरफ से हरी झंडी दे पाएंगे। जहां से सुबह का उजाला सारी दुनिया में सबसे पहले आता है, जहां हमारे रूसी मित्रों के अदम्य संघर्ष की प्रकृति पर विजय सारे संसार के लिए प्रेरणा बनी है और जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, ऐसे कर्मतीर्थ व्लादिवोस्तोक में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। और यह संभव हुआ है मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट पुतिन के निमंत्रण से, वह निमंत्रण जिसने मुझे व्लादिवोस्तोक आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यह सुखद ऐतिहासिक संयोग है कि प्रेसिडेंट पुतिन
और मेरे बीच भारत और रूस का 20वां एनुअल समिट हुआ है। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। यह समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का जॉइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए यह नेचुरल है कि उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंसीव किया और भारत जैसे विविधता भरे देश को इसके साथ नजदीक से जोड़ने को महत्व दिया। इसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। उनके निमंत्रण के तुरंत बाद हमने बहुत सीरियस तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 150 से अधिक बिजनेसमैन व्लादिवोस्तोक आए। फार इसके विशेष दूत और फार इसके सभी 11 गवर्नर से उनकी मुलाकातों के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। राज्यों और क्षेत्रों के संबंधों में फ्रेमवर्क मिला है और कोयला, डायमंड माइनिंग, रेयर अर्थ, एग्रीकल्चर, टिम्बर, पल्प एंड पेपर तथा टूरिज्म में अनेक नई संभावनाएं उजागर हुई हैं और अब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच मैरीटाइम रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। तीसरा, हमने अपने बायलेटरल कोऑपरेशन को बहुत विविधता दी है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। आजकल हाईलाइट और हेडलाइट भारत और रूस के बीच
तेल और गैस के सौदे नहीं बल्कि दोनों के द्वारा एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड निवेश है। इस सेक्टर में सहयोग के लिए 5 साल का रोडमैप और फार ईस्ट तथा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और एलएनजी की खोज में सहयोग पर सहमति हुई है। स्पेस में हमारा लंबा सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गगनयान यानी भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग करेंगे। आपसी निवेश के पूरे पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमने जल्द ही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने पर सहमत हुए हैं। भारत का रशिया प्लस देश और रूस की फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी का मुंबई ऑफिस परस्पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बहुत विशाल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंद्रा 2019 हमारे और भी बढ़ते हुए भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। जब भी जरूरत होती है, भारत और रूस दुनिया के सामान्य स्थानों पर ही नहीं अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है।